हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शर्मा ग्रुप और मैं हूं अमन शर्मा। दोस्तों मैं अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो है बहुत ही भयानक आग लगी हुई है जो कि कानो बिशनपुर और खैरी और इधर ही मतलब खैरी कानो बिशनपुर की तरफ ही आग लगी है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये बहुत ही भयंकर आग लगी है। दोस्तों आपको मैं भी दिखाता हूँ वीडियो इसका तो पूरा एकदम अच्छे से, ये आप देखिए, ये आप वीडियो देख सकते हैं कि ये कितना भयानक, वो पूरे आग को बुझा रहे हैं, सब बंदे बुझा रहे हैं, आप देख सकते हो सारे आग को बुझा रहे हैं, बुझाने के लिए ये लड़ाई भी कर रहे हैं दोनों बंदे। ये देखो पूरा आग को अच्छे से बुझा रहे हैं। आप कोई कौन कहता है कि मकान में, ईंट की मकान में आग नहीं लगती, ये देखो ईंट की मकान में भी आग लग गई है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं आपको सारी डिटेल्स अभी दिखाने वाला हूँ। अभी देखो ईंट की मकान में आग लगी है, अभी ये बुझा रहे हैं। तो हाँ, इसके बाद मैं अभी आपको मैं अगला वीडियो दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखो अभी पहले ये देख लो आप, पहले अच्छे से ये पूरा आग बुझाया जा रहा है। ये आप देखो पूरा आग बुझाया जा रहा है, आग बुझाया जा रहा है पूरा। हाँ ये हो गया। अब मैं इसका दूसरा अभी ये देखो, ये इसका दूसरा वीडियो है जो कि फायर ब्रिगेड लेके आए थे तुरंत, और ये आग बुझाने के लिए, ये बहुत छोटा सा था, ये मैं दिखाता हूँ अभी आपको। हाँ ये देखो आप, ये वीडियो देखो आप, देख सकते हो आप, ये देखो कैसे पानी भरा जा रहा है। टैंक जो आया था उस टैंक में थोड़ा सा भी पानी नहीं था दोस्तों, थोड़ा सा भी पानी नहीं था। ये पानी जो है अलग से इसमें बोरिंग चला के, गाँव वालों ने बोरिंग चला के इस टैंक में पानी भर के और फिर फायर ब्रिगेड वालों को दिया था, तब जाके उन्होंने आग को बुझाने के लिए अपना फायर ब्रिगेड लेके गया। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं लेके गए हैं फायर ब्रिगेड वाले, उसके बाद वो सारे आग को बुझा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद मैं अब इसकी अगली वीडियो आपको मैं दिखा दूँ, अगली वीडियो में क्या हो रहा है। ये देखो अब अगली वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ है दोस्तों, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये जो देख सकते हैं गेहूँ कितना जला हुआ है, ये पूरे जला हुआ गेहूँ में कुंटल का कुंटल गेहूँ जल गया दोस्तों। बहुत सारा तोरी तोरी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे है, तोरी भी जल गया है, चावल भी जल गया है जिसे हम लोग गोट गांव घर में कहते हैं। तो ये पूरा मतलब सारा चीज़ जला हुआ है दोस्तों, बहुत रो रहे हैं दोस्तों। अगर आपसे हो सके तो कोई आप मदद करो जरूर इनके पास जाके, ये खैरी पंचायत की बात है दोस्तों, खैरी पंचायत की, आप इनका मदद जाके जरूर करो दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ही शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।